प्रणाम, हम नेहा और रोवा देखत बानी उत्तर बंगाल और सिक्किम के नंबर वन लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव राउट समय राउट समाचार। सबसे पहले रोवा सबनी के गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामना। समाचार विस्तार में बढ़ने से पहले आइए को नजर डालल जाए समाचार संक्षिप्त में। पूरा देश के साथ शहर सिलीगुड़ी में भी मनावल गेल 70वां गणतंत्र दिवस समारोह। उत्तर बंगाल दौरा पूरा करके वापस कलकत्ता गई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। सिलीगुड़ी देशबंधु हिंदी हाई स्कूल के 50 बरस पूरा होखला और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में निकालल गई एगो भव्य शोभा यात्रा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हाजरिका के भारत रत्न देवे के कैनी ऐलान। 8 फरवरी के सिलीगुड़ी में आ सकत बनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब बढ़ते समाचार विस्तार से। पूरा देश के साथ शहर सिलीगुड़ी कॉलेज मैदान और सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन परिसर में मनावल गए 70वां गणतंत्र दिवस समारोह। पूरा करके वापस कलकत्ता गई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अपना दौरा के दौरान उत्तर बंगाल वासी लोगन के देनी कई गो सौगात। राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5 दिवसीय उत्तर बंगाल दौरा पूरा करके शुक्रवार के वापस कोलकाता पहुंचनी। मुख्यमंत्री बेफे के लाल कोठी में प्रशासनिक बैठक करे के बाद सिलीगुड़ी वापस आयल रहनी और फूलबाड़ी स्थित मिनी सचिवालय में राती खुनी रुकल रहनी। उल्लेखनीय बा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 21 तारीख के कलकत्ता से करीब 5 बजे सिलीगुड़ी पहुँचल रहनी और वही दिन सिलीगुड़ी के कंचनजंगा स्टेडियम में उत्तर बंग उत्सव के शुभारम्भ भी कैनी। एक बाद 9 आदमी इनके उत्तर बंगव रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत भी कैले रहनी और यही दिन मुख्यमंत्री दार्जिलिंग खातिर रवाना हो गेल रहनी। दार्जिलिंग में 23 तारीख के जीटीए के ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती के अवसर पे आयोजित एगो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहनी। यही दिन उप पूरा उत्तर बंगाल खातिर कई गो परियोजना के उद्घाटन और शिलान्यास भी कैनी। यही कगार में मुख्यमंत्री सिलीगुड़ी प्रवेश द्वार, सिलीगुड़ी गेट और 5वां महासेतु के भी उद्घाटन कैनी। 24 तारीख के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जीटीए अधिकारिक लोगिन के साथे बैठक करनी और लाल कोठी के और अच्छा तरह से बनावे व्यवस्थित करे के निर्देश भी दिहनी। सिलीगुड़ी देशबंधु हिंदी हाई स्कूल के 26 जनवरी के दिन 50 वर्ष पूरा होखला और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एगो विशाल शोभा यात्रा निकालल गई। इस शोभा यात्रा गुरुंग बस्ती स्थित स्कूल से निकल करके गुरुंग बस्ती चंपासारी बाजार उ एकरा संलग्न इलाका कुल के परिक्रमा करत हुए वापस स्कूल परिसर में आके समाप्त भइल। इस रैली में स्कूल के पूर्व छात्र उ नगर निगम के डिप्टी मेयर रामवचन महतो, स्कूल मैनेजिंग कमेटी के अध्यक्ष मनोहर सिंह, स्कूल के प्रधान अध्यापक जय किशोर पांडे, उप प्रधान अध्यापक अरुण झा के साथ विद्यालय के सभी शिक्षकगण और सैकड़ों के संख्या में छात्र लोगिन रैली में हिस्सा लेनी। रैली में प्रतीकात्मक रूप में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राधा कृष्ण आदि के रूप में बन के लड़का बच्चा सन हिस्सा लेले रहनी जा। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस भू माफिया सन के विरुद्ध अभियान छोड़त हुए 7 को भू माफिया के कनी गिरफ्तार। सिलीगुड़ी और एकरा पासवर्ती इलाका कुल में चल रहल अवैध कारोबार पर प्रतिबंध लगावत हुए सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन थाना के पुलिस फिर अभियान शुरू करके 7 को भू माफिया लोगिन के गिरफ्तार कैले बनी। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुलिस लोगिन के स्पष्ट निर्देश दे चुकल बानी जे भू माफिया लोगिन के राज्य से खत्म करल जावस। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पुलिस अभियान चला करके भू माफिया लोगिन के गिरफ्तार करत बनी जा। अब एक बार फिर एनजीपी थाना
थाना के पुलिस जमीन के अवैध कारोबार मामला में 7 गो भू माफिया के गिरफ्तार कैले बानी। सूत्र से जानकारी मिलल बा जे जमीन अवैध रूप से खरीद बिक्री के लेकर के आरोपी 7 गो आदमी लोगिन के गिरफ्तार करल गइल बाटे, जेमे से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग भी शामिल बानी जा। उत्तम कुमार फिल्म इंस्टीट्यूट के ओर से सिलीगुड़ी स्थित एगो गैर सरकारी हॉल में फैशन शो के आयोजन बुधवार के करल गइल रहे। इस फैशन शो में राज्य के विभिन्न जगह कुल से आयल प्रतियोगी लोगिन भाग लेले रहनी जा। फैशन शो प्रतियोगिता के देखे खातिर भारी संख्या में आदमी लोगिन भी उपस्थित रहनी, जेकरा में पहला स्थान सिलीगुड़ी के प्रेरणा जायसवाल ग्रहण कैले बानी, उ दूसरा स्थान जलपाईगुड़ी के संगीता चंद्र ग्रहण कैनी। उत्तम कुमार फिल्म इंस्टीट्यूट मिराकल डांस स्कूल इन एसोसिएशन विद सौभाग्य पैलेस, तो हम लोग ये प्रोग्राम है हिमालय सुंदरी और मिस्टर हिमालय, ये दो टाइटल है जिसमें हम लोग टोटल नॉर्थ ईस्ट से बांग्लादेश से चारों तरफ से पार्टिसिपेंट आते, उसी का एक पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट है। तो ये मेन हम लोग का उद्देश्य है कि यहीं से हम लोग प्रमोट करें आगे बंगाली फिल्म में, हिंदी में, कहीं पे भी हम लोग सब बाहर में प्रमोट करते हैं नॉर्थ ईस्ट जोन से, कि हम लोग डिप्राइव्ड है तो इसलिए बस यही हम लोग का। राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही प्रधानमंत्री पद खातिर एकमात्र ही योग्य उम्मीदवार बानी, ऐसा कहना बा जीटीए के चेयरमैन विनय तामंग के। व्हाई नॉट, बिकॉज़ ये है कि मैंने जब 19 तारीख को मैंने देखा कि वहाँ पे इंडिया का जितना भी पॉलिटिकल हस्ती थे सभी ने मिस ममता बनर्जी को अप्रिशिएट किया, क्योंकि इस थर्ड पॉइंट बनाने में मिस ममता बनर्जी ने ऑल ओवर इंडिया का लीडर को इकट्ठा किया, सभी ने मान गया। और मेरा भी मानना है कि ममता बनर्जी इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टर पोस्ट। 8 फरवरी के सिलीगुड़ी में आ सकत बानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्य में 2 गो सभा के करी है संबोधित। एक हाली फिरू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 28 जनवरी के सभा रद्द हो गई बाटे। मोदी उ दिन बंगाल न आ सकी है, बल्कि अब 2 फरवरी के उ राज्य में 2 गो सभा के संबोधित करी है। उ दिन प्रधानमंत्री ठाकुर नगर आउरी आसनसोल न तो दुर्गापुर में भी रैली कुल के संबोधित कर सकत बानी। मिलल जानकारी के अनुसार अब मोदी 8 फरवरी के सिलीगुड़ी में पार्टी के रैली संबोधित कर सकत बानी। आसनसोल के रैली के पहले 28 और 31 जनवरी के मोदी के राज्य में सभा होके वाला रहे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष बुधवार के बोले रहनी जे कि सूची में बदलाव होकला के अनुसार अब प्रधानमंत्री के 2 गो सभा 2 फरवरी के ठाकुर नगर उ आसनसोल न तो दुर्गापुर में होगी। उ बोले रहनी जे मोदी आसनसोल में न तो 8 फरवरी के भी सिलीगुड़ी में सभा के संबोधित करी है। मालूम होकस जे मतुआ समुदाय के वोट बैंक के ध्यान में रखत हुए भाजपा 2 फरवरी के ठाकुर नगर में मोदी के सभा के अंतिम रूप दिहले बानी। लेत बानी एगो छोटा सा ब्रेक, रोवा बनल रही हमनी के साथे। Sunshine High School, an English medium co-educational school, affiliated to ICSE Board. Admission for session 2019, pre-nursery to class 9, quality educational. Separate hostels for boys and girls. Confidence building. Leadership programs, games, indoor and outdoor. Co-curricular activities. Pollution free. For admission and prospectus, contact Sunshine High School. Mobile 7797965318 9734155003. E chi vuoi, Nanu? Che vuoi, Yuri? Osti, ma c'è chi ne cucciutta? Mi riportai? कति किन दिनुस् ल त जुत्ता पनि फटै त हाल्छ। मैले तिमीलाई अस्ति भनेको नि डाक्टर फुटको स्कुल जुत्ता किन्देउ भनेर, तर तिमी मानेनौ। हजुर, डाक्टर फुट सुविधायुक्त, टिकाउ अनि नचिप्लिने पनि। ब्रेक के बाद समाचार विस्तार से। भारत सरकार पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हाजरिका के भारत रत्न देवे के कैनी ऐलान। गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 नामचीन हस्ती लोगिन के भारत रत्न देवे के ऐलान कैले बानी। एकरा में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शामिल बानी। एकरा अलावा डॉक्टर भूपेन हाजरिका और नानाजी देशमुख के मरणोपरांत भारत रत्न दिहल जाय। बता दीजिए, भारत रत्न देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बाटे, जौन की असाधारण राष्ट्र सेवा खातिर दिहल जायला। सम्मान के घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से फोन पे बातचीत कैनी। एक बाद प्रणब मुखर्जी ट्वीट करत हुए लिखनी, भारत के आदमी लोगन के प्रति विनम्रता और कृतज्ञता व्यक्त करत हुए हम इ महान सम्मान के स्वीकार करत बने। देशवासी लोगन हमरा के शुभकामनाएं दीनी। हम हमेशा बोलनी और फिर दोहरात बनी जे हम अपना महान देश के आदमी लोगन के जितना दिहले बानी ओसे कई गुना ज्यादा हमरा के मिलल बटे। राष्ट्रीय कन्या दिवस पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोलनी, लड़की लोगन के सशक्त बनावे खातिर क्रांतिकारी योजना व कन्याश्री। राष्ट्रीय कन्या दिवस के मौका पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दावा कैले बानी जे उनकरा सरकार द्वारा शुरू करल गेल कन्याश्री योजना लड़की लोगन के शिक्षा खातिर क्रांतिकारी योजना कुल में से एगो बा। बेफे के मुख्यमंत्री इ बारे में ट्वीट कैनी, जेकरा में उ बोलनी, लड़की सन के पढ़ावे खातिर हमनी के सरकार द्वारा शुरू करल गेल कन्याश्री योजना काफी क्रांतिकारी साबित भइल बाटे। योजना सफल भइल बा। साल 2017 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा एकरा के प्रथम पुरस्कार दिहल गेल रहे, जेकरा बाद करीब 60 लाख लड़की सन एमे सशक्त बनल बाड़ी। सिक्किम के आगामी विधानसभा चुनाव में साथे काम करे के लेके राज्य के सभी विपक्षी पार्टी गण के एगो बैठक गैंगटोक स्थित एगो होटल में भइल संपन्न। गैर राजनीतिक संगठन सिक्किम सब्जेक्ट कमेटी के बैनर के नीचे आयोजित इस बैठक में राष्ट्रीय पार्टी सिक्किम प्रदेश भाजपा और सिक्किम प्रदेश कांग्रेस के साथ दूसरा सभी क्षेत्रीय विपक्षी पार्टी के प्रतिनिधि लोगिन भी उपस्थित रहनी जा। बैठक में भाग लेवे वाला पार्टी कुल में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, हमरो सिक्किम पार्टी, सिक्किम राज्य मंच पार्टी, सिक्किम नेशनल पीपल्स पार्टी, सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी, सिक्किम यूनाइटेड पार्टी और सिक्किम संग्राम परिषद शामिल रहनी जा। पूरा देशभक्ति और जज्बा और हर्षोल्लास के साथ मनावल गेल भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 123वीं जन्म जयंती। भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 123वीं जन्म जयंती पूरा भारत के साथ सिलीगुड़ी में भी देशभक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनावल गेल। अलग अलग संस्था और क्लब के ओर से नेताजी के जयंती के अवसर पे राष्ट्रीय तिरंगा फहराइल गेल और उनकरा फोटो पे फूल और माला चढ़ा के उनकरा के श्रद्धांजलि भी दीहल गेल। यही कगार में सुभाषपल्ली स्थित नेताजी मोड़ में पर्यटन मंत्री गौतम देव सहित स्थानीय आदमी लोगिन और विद्यार्थी लोगिन भी नेताजी के प्रतिमा पे पुष्प अर्पित करके उनकरा के श्रद्धांजलि दीनी जा। इस उपलक्ष्य में पर्यटन मंत्री गौतम देव बोलनी जे नेताजी के देश के प्रति जौन समर्पण के भावना रहे और जौन देश के खातिर रुकले रहनी उनकरा बलिदान खातिर हमनी के ऋणी बानी जा। इस अवसर में कंचनजंगा स्टेडियम से एगो विशाल रैली भी निकालल गयी, जेमे वार्ड पार्षद नान्टू पाल सहित कई गो गणमान्य लोगिन भी उपस्थित रहनी जा। कूचबिहार में उत्तर बंगाल विकास मंत्री रविन्द्रनाथ घोष नागकाटी पुसना डंगा में पिछड़ल वर्ग कल्याण विभाग के तत्वावधान में आयोजित 30वां ब्लॉक भवैया संगीत प्रतियोगिता के उद्घाटन कैनी। इस अवसर पे जिला अधिकारी कौशिक शाह समेत और गणमान्य लोगिन भी उपस्थित रहनी जा। विधाननगर में एगो निजी स्कूल में शुक्रवार के चित्रांकन प्रतियोगिता के आयोजन करल गेल रहे, जेकरा में सरकारी और गैर सरकारी मिला के 15 गो स्कूल के विद्यार्थी लोगिन और राज्य के विभिन्न जगह के चित्रकार लोगिन भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेनी जा। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष बिमल गुरुंग के विशेष आग्रह में दार्जिलिंग लोकसभा सांसद एसएस आलूवालिया, राजनीतिक विश्लेषक बीपी बजगाई और हिमालयन फॉरेस्ट विलेजर्स ऑर्गेनाइजेशन के लीला कुमार गुरुंग के प्रतिनिधि टोली गोरखा जाति के संवैधानिक सुरक्षा के अंतर्गत गोरखा लोगों के जनजाति बनाव के मुद्दा और गोरखा के काफी समय से लंबित अलग राज्य के मांग के लेके भारत के केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ शुक्रवार के कैनी मुलाकात। उत्तर बंगाल और सिक्किम के प्रमुख समाचार कुल से अपना आपके अपडेट रखे खातिर एसके लाइफ के यूट्यूब चैनल के अबे सब्सक्राइब करी। सब्सक्राइब करे खातिर नीचे दिहल गेल बटन के अबे दबाई। साथ ही फेसबुक में लाइक और शेयर अवश्य करी। अब तक खातिर इतना ही। रोआ बनल रही एसके लाइफ के साथ राउड समय राउड समाचार। धन्यवाद।